Hello friends, hope you all are doing good. So today we are going to visit one more property that is in Whitefield, Bangalore. Actually जो location है वो है बोधिगिरी क्रॉस एंड दिस प्रॉपर्टी इज गोदरेज बंगाल लैम्प्स. सो लेट्स गो. सो अर्लियर हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था वो था प्रेस्टीज तोमर विले का एंड बहुत सारे कमेंट्स इसमें आ रहे थे कि ये जो लेक है वो अच्छा नहीं है, प्राइस बहुत हाई है. नो डाउट प्राइस तो हाई है और जैसा कि हमने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ देखी प्राइस सभी के सूट हो चुके हैं, मीन्स प्राइजेस तो हाई हो चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के. लेकिन जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि लेक क्लीन नहीं है, डर्टी लेक है, तो मैं प्रेस्टीज की साइड से नहीं हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. जैसा कि हमने इतनी प्रॉपर्टीज़ को कवर किया है तो हम बता सकते हैं कि प्रेस्टीज जहाँ भी आता है वो एरिया डेवलप हो ही जाता है एंड वो खुद ही रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवा देते हैं. जैसा कि अभी पार्क ग्रोव में हमने देखा कि पूरा रोड बन गया, डिवाइडर बन गया, ट्रीज लग गए. अगर मुझे लगता है अगर आपको ये डाउट है कि लेक क्लीन नहीं है और स्मेल आएगी, तो वो सब डाउट आप प्रेस्टीज पीपल से क्लियर कर सकते हैं. आप उनसे पूछ सकते हैं कि लेक को आप मेंटेन करेंगे, लेक को क्लीन करेंगे. सो आई थिंक वो आपको बेटर बता पाएंगे कि वो आगे फ्यूचर में उनका क्या प्लान है. तो जैसा कि हमने देखा कि प्रेस्टीज की जो भी प्रॉपर्टी आती है तो लोग उसमें एनविटीज़ ये सब चीज़ें देखते ही नहीं है, रोड्स एरिया, क्योंकि उनको पता है अगर प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आया तो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी. यस एंड जस्ट वन डिस्क्लेमर, नन ऑफ अस आर वीडियो एक्चुअली आर स्पॉन्सर्ड, दीज आर सेल्फ फंडेड वीडियोस, वी डू ऑल हार्ड वर्क फ्रॉम आवर ओन मनी, सो प्लीज सपोर्ट अस. या हम जो भी वीडियोस ला रहे हैं वो आपके रिस्पॉन्स पे ला रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पीपल को बहुत रिस्पॉन्स है, उनको नीड है कि उनको प्रॉपर्टीज़ के वीडियो मिले, क्योंकि हम नियर बाई एरिया में हैं एंड लोगों को लगता है वो काफ़ी फार हैं या जो इंडिया से बाहर हैं, तो उनको लगता है कि हमको उसकी जो लोकेशन है, जो रास्ता है वो देखने को मिल जाए एंड जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता लग जाए, एरिया पता लग जाए. क्योंकि जो आपको जो आप प्रेस्टीज की वीडियो देखेंगे उनमें तो आपको जो उनका लेआउट्स वगैरह वो ही क्लियर होगा, बट जो रास्ता है, जो पूरा वे है, जो लोकेशन है वो आपको क्लियर नहीं होगा. तो इसलिए हम आपको वीडियोस बना रहे हैं सो दैट जो इंडिया के बाहर भी हैं उनको भी सारा क्लियर हो जाए लोकेशन के बारे में, एरिया के बारे में. बहुत तो ट्रेवल नहीं कर सकते राइट ऑल द पॉइंट्स. और ये भी इतना नहीं है कि जैसे ही प्रोजेक्ट देखा तो लोग तुरंत देखने आ जाए, तो उनको एक ओवर थ्रू मिल जाता है कि हाँ कैसा है क्या है, क्योंकि जब वो ऐड देखते हैं किसी प्रॉपर्टी का तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उसमें जैसे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी, आसपास लोकेलिटी का कैसा है, क्या है राइट, दैट आल्सो उसके लिए हम कवर कर रहे हैं. इसलिए हम आपको अपना रास्ता भी दिखाते हैं. जैसे कि अभी हम गोदरेज बंगाल लैम्प जा रहे हैं, तो ये जो हमने स्टार्ट किया ये होप फॉर्म से स्टार्ट किया था, तो ये होप फॉर्म से वहाँ पे जाने का पूरा जो रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लोकेशन है वहाँ का, जो इस एरिया में न्यू है एंड जो इस एरिया के उनको तो पता ही है कि एरिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है. इस एरिया में प्रेस्टीज पार्क ग्रोव आ चुका है, सुमद्रा एंड एसेट्स काफ़ी प्रोजेक्ट है जो आपको देखना है, हमारे चैनल पे सब कुछ है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए. गोदरेज की जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल रोड पे ही है, मीन्स जो मेन क्रॉस है बुधगिरी क्रॉस, यस जंक्शन पे ही है, तो लोकेशन तो काफी अच्छी है. जस्ट अबाउट टू रीच, अभी हम शॉर्टकट लेंगे यहाँ से. हाँ राइट. हाँ वैसे हम स्ट्रेट भी जा सकते हैं बट हम शॉर्टकट स्ट्रेट में एक्चुअली काम चल रहा है ना, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पर ट्रैफिक आएगा, इसलिए हमने यहाँ से लेफ्ट लिया है. तो ये लेफ्ट शॉर्टकट रूट है. अभी हमें सोचिएगा कि रास्ता कैसा है, छोटा है, रोड नैरो है, दिस इज शॉर्टकट ओनली.
वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड में हम आपको लेआउट, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी एवरी इंफॉर्मेशन देंगे। एंड इफ मॉडल फ्लैट रेडी होगा तो हम उसका आपको टूर भी कराएंगे। तो प्लीज़ वॉच वीडियो टिल एंड। So we reached Budigre Cross. So guys, now we have reached to Budigre Cross. And मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी है वो जस्ट वी आर जस्ट नियर टू द प्रॉपर्टी। एंड यहाँ 2 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स हैं। सो बाकी की डिटेल हम आपको प्रॉपर्टियाँ पहुँचने के बाद बताएंगे। तो यहाँ से आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पूरा वो गोदरेज प्रॉपर्टी का जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये बस का जो रास्ता है वो यहाँ से है। इट इज कॉर्नर प्रॉपर्टी, एकदम कॉर्नर है रोड, राइट साइड मीन्स क्रॉस रोड है ये, इन दी कॉर्नर प्रॉपर्टी। एंड दिस इज काफी बिग लैंड। एडवांटेज ये भी है ना, इज डायरेक्टली कनेक्ट टू एयरपोर्ट, राइट? ओके। एंड ये काफी बिग दिख रहा है। यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस साइड भी इतना ही है, उस रोड में भी और इस रोड में भी इतना है। पूरा कॉर्नर का मींस प्राइम लोकेशन है ये। अभी एरिया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है एंड सारी प्रॉपर्टीज अभी एयरपोर्ट साइड ही आ रही है, जितने भी है, जितने विला है। अगर आपको विलास भी देखने हैं तो वो हमारे चैनल पे हमने उनको भी कवर किया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। नाउ यस, आई थिंक यू नो फ्रॉम हियर दिस साइड दिस व्हाट विद द एंगल्स। सो अगर आपको गोदरेज का प्लॉटिंग डेवलपमेंट देखना है जो कि सरजापुर में है, सो उसका भी वीडियो हमने अपलोड की है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू गोदरेज बंगाल लैंप्स। काफी ग्रीनरी है, मैकल नंबर KA53MZU। थैंक यू मैडम। ओकम एक्चुअली यहाँ ग्रीनरी तो पहले से पूरा पूरा सारा था, उसको मेंटेन किया है। तो गाइस वी हैव रीच टू प्रॉपर्टी एंड नाउ वी आर गोइंग टू मार्केटिंग ऑफिस। सो ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में बनी हुई है, तो लेट्स गो इन मार्केटिंग ऑफिस। गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो प्रॉपर्टी है ये प्री लॉन्च फेज में है एंड अभी इसका रेरा नहीं आया है। रेरा का एक्नॉलेजमेंट आ चुका है बट अभी रेरा नहीं आया है और इसीलिए ये अभी प्री लॉन्च में है और ज़्यादा डिटेल ये लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं। मॉडल फ्लैट भी अभी पूरा कम्प्लीटली रेडी नहीं है, उसको 15 डेज का टाइम लगेगा रेडी होने में। एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसका नेम गोदरेज बंगाल लैंप नहीं है, इनका रेरा नहीं आया है। तो रेरा आने से पहले इसका नेम वही रहता है जो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी होती, लाइक पहले यहाँ पे फैक्ट्री थी उसका नाम बंगाल लैंप था, तो उसी के नेम पे इन्होंने रेरा के लिए अप्लाई किया है, तो इसलिए अभी इसका नाम इन्होंने रेरा बंगाल लैंप बोला। बट अभी इनका एक्नॉलेजमेंट आ चुका है रेरा का, तो इन्होंने इसका एक्चुअल नेम बताया है जो कि है जो कि इसका नेम है गोदरेज वुडस्केप, क्योंकि ये इसको फॉरेस्ट थीम में बनाएंगे। यहाँ पे जो है 20% में ये जो कॉमर्शियल शॉप्स एंड जो अपार्टमेंट्स हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो बनाएंगे एंड बाकी 80% ओपन स्पेस होगा। सो बाकी 20% में क्लब हाउस एंड बाकी जो अपार्टमेंट है वो सब बनेगा एंड 80% ओपन स्पेस रहेगा।
दोस्तों प्रॉपर्टी तो काफ़ी बड़ी है, 28 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे 2400 अपार्टमेंट्स बनेंगे। सो ये जो अपार्टमेंट है ये जाएगा G+39, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया 2 BHK, 3 BHK, 3.5, 4, 4.5 BHK अपार्टमेंट्स हैं एंड जो 2 BHK का जो लोअर जो सबसे छोटा यूनिट है उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 1.29 CR है, जो अभी का मैं प्राइस बता रही हूँ, प्री लॉन्च के ये प्राइस हैं क्योंकि लॉन्च होने के बाद प्राइस बढ़ेंगे। सो अगर आप अभी बुकिंग करते हैं तो इसके प्राइस आपको 1.29 से स्टार्टिंग है एंड यहाँ पे फोर, जैसा कि मैंने जो 4 BHK का लेआउट देखा तो 4 कॉर्नर यूनिट्स है एक फ्लोर पे, जिसमें आपको 4 लिफ्ट्स मिलेंगी, 1 सर्विस लिफ्ट मिलेगी, 3 पैसेंजर्स लिफ्ट मिलेंगी। तो प्लान तो काफ़ी अच्छा है, हॉल काफ़ी बड़ा, बालकनी बड़ी, लिविंग एंड डाइनिंग काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपसे लेआउट शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं लेआउट्स भी शेयर करूँगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, 4 कॉर्नर यूनिट्स हैं एंड 3 पैसेंजर्स लिफ्ट एंड 3 पैसेंजर लिफ्ट एंड 1 सर्विस लिफ्ट है एंड ऑल यूनिट्स कॉर्नर यूनिट्स हैं। सो दिस इज़ लिविंग एंड डाइनिंग, बिग लिविंग एंड डाइनिंग एंड विथ बिग बालकनी एंड यहाँ पे यूटिलिटी भी अटैच सेपरेट है, वो किचन के अंदर नहीं है, ये अच्छा लेआउट है। और पूरा फॉरेस्ट थीम है तो आपको जो यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके अंदर। एंड उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं लाइक फॉरेस्ट होम, फॉरेस्ट वर्क फ्रॉम होम, लाइक आप फॉरेस्ट में बैठ के परफॉर्म करेंगे। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉर्नर पे है, बिल्कुल ओल्ड मद्रास रोड एंड जो बुद्धिगिरी क्रॉस है उसके कॉर्नर पे ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से एयरपोर्ट भी काफ़ी पास में है और वाइट फील्ड भी पास में ही है, तो ये लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है। सो गाइस आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि अभी इसका जो मॉडल फ्लैट आएगा और उसकी जो और भी अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की डिटेल आएगी वो फिर से हम इसको कवर करने आएंगे इस प्रॉपर्टी को और आपसे शेयर करेंगे। सो प्लीज़ प्रेस ऑन बेल आइकन सो दैट आपको जो हम न्यू वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आज हम और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी कवर करने जाएंगे, तो अगर आपका बजट थोड़ा लो है या इससे हाई है तो आपको अकॉर्डिंग टू योर बजट हमारे चैनल पर सारी प्रॉपर्टीज़ के वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो गाइज प्लीज़ शेयर आवर वीडियोज़, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सो राइट अस इन कमेंट कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।